हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट में लिया हो या पोस्ट ग्रेजुएट में लिया हो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में। तो आप सभी को जैसा कि पता होगा कि जब से NEP दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में लागू हुए हैं, तब से इसके अंदर एक असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट करके एक स्कीम इसके अंदर लागू हुई है, जिसके तहत आपको अपने इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम से पहले देने होते हैं। तो आज हम इन्हीं इंटरनल असेसमेंट की बात करने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो देखिए, मुझे आज भी याद है कि 2022 से पहले SOL के अंदर इंटरनल असेसमेंट या असाइनमेंट करके कोई भी मेथड नहीं था। क्यों? इसकी वजह यह थी कि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स करते थे, इसी वजह से करते थे क्योंकि मस्ट आइए, एग्ज़ाम दीजिए और पास होके निकल जाइए। तो अब तक तो ऐसे ही हो रहा था, बट हुआ क्या, 2020 में पॉलिसी आई NEP, और 2020 की पॉलिसी को लागू करने में दिल्ली विश्वविद्यालय को काफ़ी समय लग गया। 2022 में आखिरकार कमेटी का फैसला होता है और ये डिसीजन लिया जाता है कि अब हम SOL के अंदर भी इंटरनल असेसमेंट करवाएंगे। अब जिनको नहीं पता इंटरनल असेसमेंट क्या है, कैसे होगा, कब होगा, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखिए आने वाले टाइम पे ना इंटरनल असेसमेंट के लिए चैनल काफ़ी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, मैं खुद आपको गाइड करूंगा आने वाले टाइम पे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जो भी जहां भी ये वीडियो जाएगी, मुझे नहीं पता है वीडियो कितने लोग देखेंगे, मुझे नहीं पता, बट शेयर कर देना जहाँ तक बच्चों तक पहुँच जाएगी। अब देखिए, 2022 के बाद अब जितने भी एडमिशन हो रहे हैं उन सारे बच्चों का ही इंटरनल असेसमेंट होगा हर सेमेस्टर में। जी हाँ, हर सेमेस्टर में, ऐसा नहीं है वन टाइम नहीं, हर सेमेस्टर में। अब सबसे बड़ी बात, इंटरनल जो असेसमेंट है वो होते क्या है। SOL के अंदर जो इंटरनल असेसमेंट का सिस्टम है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन है। ऑनलाइन का मतलब ये कि पूरी तरीके से जो इंटरनल असेसमेंट है वो ऑनलाइन होंगे, मतलब कोई लिखने वाला नहीं है, पेन पेपर वाला नहीं, MCQ बेस होगा, CVT टाइप जो होता है। बट ये जो इंटरनल असेसमेंट है, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इंटरनल असेसमेंट आप अपने घर से, अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने डेस्कटॉप से, अपने लैपटॉप से ये जो एग्ज़ाम है वो आप दे सकते हो। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, ये जो एग्ज़ाम आपके होंगे ये पूरी तरीके से ऑनलाइन होंगे। ठीक है, तो इसको आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप जहां बैठ के इसको दे सकते हो। इसके लिए प्रॉपर आपको कम से कम, मुझे लगता है कि कम से कम, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, कम से कम 10 से 15 दिन आपको, 20 दिन आपको मिलेंगे कि उन 10 से 15 दिन में आप कभी भी किसी भी सब्जेक्ट का असेसमेंट आप दे सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल, ये जो इंटरनल असेसमेंट है ये कैसे होता है, मैं आपको बता दूँ। देखिए, SOL ने इसके लिए SOL ने एक पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, उसी पोर्टल पे आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। उस पोर्टल का नाम है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी LMS पोर्टल्स को बोला जाता है, और उसी पोर्टल पे आपके इंटरनल असेसमेंट इस बार होने वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात, ये जो इंटरनल असेसमेंट होंगे ऑनलाइन होंगे, आप इसको लॉगिन कर पाओगे। लॉगिन के लिए आप अपना 16 रोल नंबर और आपका जो भी आपको मिलेगा वो मिल जाएगा, लॉगिन ID पासवर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब भी असेसमेंट होंगे आपको मिला, असेसमेंट कब होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपके असेसमेंट हो गए इंटरनल असेसमेंट, ये इंटरनल असेसमेंट आपके UG यानी पहले PG का बता देता हूँ। देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप MA MCOM कर रहे हो तो आपके जो इंटरनल असेसमेंट है, ये इंटरनल असेसमेंट आपके 25 नवंबर से लेके 9 दिसंबर तक आपके कभी भी हो सकते हैं। 25 नवंबर से शुरू होकर 9 दिसंबर के बीच में आपके होंगे एज ए अकेडमिक कैलेंडर। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की, यानी BA BCOM BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बी ऑनर्स इंग्लिश, ठीक है, इनके जो इंटरनल असेसमेंट है, ये इंटरनल जो असेसमेंट है आपके, अगर आप BA BCOM BS आपका BBA BMS कर रहे हो, जिन्हें भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज वाले, आपके जो इंटरनल असेसमेंट है 9 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक आपके इंटरनल असेसमेंट इस महीने में कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि इसी इंटरनल असेसमेंट के बीच आपकी रिविजन क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो ये इंटरनल असेसमेंट की डेट है एज ए अकेडमिक कैलेंडर जो SOL ने जारी किया है। अब सबसे बड़ी बात, ये जो इंटरनल असेसमेंट होंगे पूरी तरीके से ऑनलाइन होंगे। अब सबसे बड़ा, इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो MCQ बेस होंगे, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी।
एक क्वेश्चन होगा उसके चार ऑप्शन होंगे, हर सब्जेक्ट जितने आपके सब्जेक्ट हो आप, उतने आपके इंटरेस्ट असेसमेंट होंगे। अब सबसे बढ़िया जो इंटरेस्टमेंट होंगे कितने नंबर के होते हैं, तो ये जो इंटरेस्टमेंट है ये आपके 70 नंबर के होते हैं। अब मैं क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें आपको जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चंस के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, जिसके आपकी मार्किंग मिलेगी 70 नंबर के, आपका इंटरेस्टमेंट आपका कंडक्ट होता है, ठीक है। और सबसे बढ़िया ये जो इंटरेस्टमेंट है एमसीक्यू बेस होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, एक के चार ऑप्शन होंगे, टिक करना होगा पोर्टल पे, और पोर्टल के बाद फिर आपको सबमिट कर दोगे, आपको भी मेल आ जाएगा, आपका जो इंटरेस्टमेंट है वो सबमिट हो गया। आप इसका जो इंटरेस्टमेंट का जो नंबर है वो आपके मार्कशीट में कंसिडर किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर मान के चलिए कि जैसे मैं इंटरनल असेसमेंट होगा तो मुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, कैसे देना है, पूरा प्रोसीजर क्या होगा। तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हमने पिछली बार भी जब से इंटरेस्टमेंट हुआ ना हमने बच्चों की काफ़ी हेल्प की है। मैं तो ये कहूँगा ज्वाइन कर लीजिए, बाकी कहते हैं ना कुछ सब्जेक्ट, देखिए सारे सब्जेक्ट के तो मैं नहीं कहूँगा, जितना हो सकता है उतनी हम आपकी हेल्प करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपको आंसर्स भी प्रोवाइड करवा दें। मैं गारंटी तो नहीं दूंगा क्योंकि देखिए कल का कोई भरोसा है नहीं, ठीक है। तो बट हमने अब तक आंसर प्रोवाइड करवाए थे, सॉल्व करके हमने इंटरेस्टमेंट डाले थे, तो कोशिश करना अगर आप ज्वाइन रहते हो तो आने टाइम पे इस इंटरेस्टमेंट को भी हम सॉल्व आपके साथ करवा पाए। बाकी पूरा वीडियो लेकर आएंगे, कैसे आपको देना है, कैसे लॉगिन करना है, पूरा हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट करेंगे इस चीज़ को लेकर। तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपके इंटरेस्टमेंट की डेट मैंने आपको बता दी, पूरी तरीके से ऑनलाइन होंगे, घर बैठ के आप दे सकते हो, कोई इसमें कैमरा ऑन होता नहीं है, कोई आपको देखेगा नहीं कैसे दे रहे हो कैसे नहीं दे रहे, किताब खोल के भी दे सकते हो, कैसे भी आप दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि घर से होंगे, जाहिर सी बात है कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो पोस्ट ग्रेजुएट की जो इंटरेस्टमेंट है वो 25 नवंबर से लेके 9 दिसंबर तक होंगे, मई अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के जो इंटरेस्टमेंट है 9 दिसंबर से लेके 2 जनवरी के बीच में होंगे। तो मैं आपको अपडेट कर दूँ, इसकी डेट शीट आएगी, गाइडलाइन आएगी, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा, और कोई अपडेट होगा जरूर बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा आपकी जो भी परेशानी हो। और एक चीज़ और, रोल नंबर नहीं आया, मिल जाएगा रोल नंबर, कोई दिक्कत मत लीजिए, इंटरनेशनल से पहले सबका रोल नंबर आ जाएगा।